दोस्तों दोस्तों, जब जब इंसान छोटा होता है, 7 8 साल का, तब उसके सपने बड़े होते हैं। जैसे कि मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बहुत बड़े सपने। पर जब जब इंसान बड़ा होता है, तब उसके सपने छोटे होते। जैसे कि सिर्फ ये नौकरी करने, ये सिर्फ नौकरी करेंगे और इस नौकरी को करते हुए ही पूरी जिंदगी खत्म। दोस्तों, समय समय की कद्र करना सीखो और शांत रहना सीखो। दोस्तों, समय बहुत ही ज़्यादा कीमती है, इसे थोड़ा भी बेवजह बिल्कुल मत गवाओ। और दोस्तों, आप छोटे हो या बड़ा, दोस्तों कौन सी भी चीज़ सीखने के लिए, ये करने के लिए उम्र उम्र मायने नहीं रखती। दोस्तों, एक बूढ़ा इंसान भी, वो सिर्फ मन में ठान ले तो वो पैसे कमा सकता है, धन कमा सकता है, सिर्फ उसने ठान लेना चाहिए। दोस्तों, एक बच्चा भी कौन सी भी चीज़ कर सकता है, सिर्फ उसे ठान लेना चाहिए मन में। जो चीज़ आप मन में ठान लेते हो और उसके पीछे जी जान लगा के मेहनत करते हो, दिन रात एक कर देते हो, वो चीज़ होके ही होके रहेगी। इसलिए दोस्तों, कभी भी सिर्फ मन में ठान लो कौन सी चीज़ करनी है, वो होके ही रहेगी, वो चीज़ होके ही रहेगी। दुनिया में कोई भी आ जाए, उसे होने से रोक नहीं सकता, सिर्फ आप मन में ठान लो तो। दोस्तों, आपके सपनों को पूरा करना है तो कुछ आपको जीवन बड़ा करना है तो दोस्तों, बड़ा सोचना भी आना चाहिए। लोगों की सोच ऐसी है कि कौन सी सरकारी या कौन सी भी नौकरी मिल जाए तो उसे हम करते रहेंगे अंत तक, और फिर जो अगली पीढ़ी होगी वो भी यही करेगी, नहीं तो वो भी यही करेगी, नहीं तो दूसरी कौन सी चीज़ कर लेगी। लोगों की सोच ऐसी है कि सिर्फ इसे नौकरी करनी, कौन सा धंधा नहीं, बल्कि इस नौकरी को करना और इस तरह पूरी जिंदगी को धीरे धीरे ख़त्म कर देना, अंत तक इसी नौकरी को करते रहना। पर कोई इंसान कुछ बड़ा नहीं सोचता, जैसे कि मैं इतना बढ़ूंगा, इतना बड़ा बनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। दोस्तों, एक सफल व्यक्ति में क्या अंतर होता है और एक असफल व्यक्ति में क्या अंतर होता है? दोस्तों, एक सफल व्यक्ति भी सपना देखता है और एक असफल व्यक्ति भी सपने देखता है, पर सफल व्यक्ति उसे उन सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा के मेहनत करता है और उन सपनों को पूरा करता है। पर एक असफल व्यक्ति सोता रहता है और आलसीपन होता है, वो सिर्फ सोता रहता है और सपने देखता रहता है, कुछ नहीं करता, इसलिए वो असफल होता है और असफल रहेगा और रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारी बातें कड़वी भी हैं, पर दोस्तों हकीकत वही है जनाब। दोस्तों, एक गरीब इंसान मैं अमीर हूँ ऐसा दिखाने के लिए गाड़ी लेता है, बंगला लेता है, वॉशिंग मशीन लेता है, जो घर में बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ें, जो लोग देखे उन्हें अमीर समझे, ऐसी चीज़ें लेता है, गाड़ी लेता है, बंगला लेता है, कौन सा सोना लेता है, चांदी लेता है, और भी बहुत सारी चीज़ें लेता है जिसकी जिसे उसे ज़रूरत ही नहीं। पर एक अमीर व्यक्ति और अमीर बनने के लिए पैसे कहाँ ना कहाँ लगाता है, जैसे कि किसी कंपनी में या किसी दुकान में या ऐसी चीज़ों में जिस जगह उसे पैसे और ज़्यादा मिले, और इसलिए वो अमीर और अमीर बनते जाते हैं और ये गरीब और गरीब बनते जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने विचार, अपनी सोच, अपनी नज़रें, अपनी संगत बदलो, इन इन चीज़ों को बदल दो, फिर आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी।
दोस्तों, खुद को बदलना सीखो, खुद के अंदर बदलाव लाओ, क्योंकि बदलाव बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो दोस्तों लाना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, वो किसी भी प्रकार का बदलाव हो, दोस्तों आपकी आदतें बदलो, आपके गुण बदलो, आपकी अच्छी आदतें और अच्छी करो, बुरी आदतें छोड़ दो, अच्छे गुण अपना लो, अच्छी चीज़ें करो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा सारी चीज़ें अच्छे करो। दोस्तों, खुद के अंदर बदलाव लाओ, अपनी संगत बदलो, अपने विचार बदलो, अपनी नज़रें बदलो और अपना मुंह बदलो, सब कुछ बदल दो दोस्तों। सभी अच्छी रखो, सभी चीज़ें अच्छे रखोगे तो अच्छे बनोगे। दोस्तों, संगत का इंसान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। इंसान जैसे लोगों के संगत में रहेगा वैसा ही बनेगा। अच्छे लोगों के संगत में तो अच्छा, बुरे लोगों के संगत में तो बुरा, ये उसी तरह। दोस्तों, उदाहरण के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है दोस्तों, एक सड़ा हुआ दोस्तों उदाहरण, एक सड़े हुए टमाटर के पास एक आप अच्छा, बहुत ही अच्छा टमाटर रखोगे। एक सड़े हुए टमाटर के पास एक सड़े हुए टमाटर के पास एक अच्छा टमाटर रखोगे तो वो अच्छा टमाटर भी उस सड़े हुए टमाटर की वजह से, उसकी संगत की वजह से वो भी सड़ जाएगा। और दोस्तों, ये है उदाहरण। और दोस्तों, इसी तरह आपका भी होता है। आप बुरे लोगों के साथ रहोगे तो बुरे बनोगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छे बनोगे। इसलिए दोस्तों, आप अपनी संगत बदलो, अच्छे लोगों के साथ रहना शुरू कर दो, जल्दी उठना शुरू कर दो। दोस्तों, जल्दी उठने से इंसान को बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि दोस्तों इंसान को बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि दोस्तों इंसान को ज़्यादा वक्त मिलता है दूसरे लोगों से, ज़्यादा वक्त मिलता है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे जो 25 घंटे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि जो लोग या आप 8-9 बजे उठते हो तो आप 6-4-5 बजे उठना शुरू कर दो, जिससे आपको 3-4 घंटे ज़्यादा मिलेंगे और जिसमें आप जल्दी अपनी सारी चीज़ें करके काम पे लग सकते हो। और काम पे लगोगे तो जल्दी काम ख़त्म होगा और ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा, उसमें आप और काम करो, और काम करोगे तो जल्दी सफल होंगे। और धीरे धीरे जल्दी 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 उठना शुरू कर दो। दोस्तों, पहला फ़ायदा सुबह उठने से, दोस्तों पहला फ़ायदा है आपको 2-3 घंटे ज़्यादा मिलेंगे। दूसरा फायदा, आप स्वस्थ रहोगे जल्दी उठने से आपका व्यायाम करो, अपनी अच्छी खासी बॉडी बनाओ। और जो सुबह सुबह की सूर्य की किरणें होती है वो बहुत ही ज़्यादा पोषक होती है, उनमें ऐसी चीज़ें होती है जो आपके शरीर को कभी भी कौन सी बीमारी या कौन सा भी बुखार या ऐसी जो चीज़ें जो आपको नहीं लग सकती या आपको नहीं होगी, ये सूर्य की किरणें भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होती है। ये 2-3 फायदे, ये बहुत और भी बहुत सारे फायदे जो सिर्फ जल्दी उठने से होते हैं। इसलिए दोस्तों, आप ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो देखिए हमारे चैनल के ऊपर, और आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बने। क्योंकि दोस्तों आप भी अपने जीवन में सफल इंसान बनना चाहते हो, तो दोस्तों मोटिवेशन वीडियो देखते रहें। और सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि उसे जीवन भर याद भी रखना होता है। लोग देखते तो है, सुनते तो है, पर उसे करते कैसे, उसे याद ही नहीं रखते, या करना भी है या नहीं वो याद ही नहीं रखते। दोस्तों, याद रखो, सारी चीज़ें याद रखो, सिर्फ सुनो और छोड़ दो, ऐसा नहीं। और दोस्तों, आप कौन सा भी दुनिया, आप अपने जीवन में कौन सा भी निर्णय लेना चाहते हो तो उसे मौन रह के ही, कौन सा भी निर्णय लेना चाहते हो वो निर्णय ले। क्योंकि दोस्तों देखा गया कि जो लोग शांत रहते, मौन रहते, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच पाते, अच्छा ज़्यादा अच्छे तरीके से विचार कर पाते और अच्छा और सच्चा और एक बढ़िया निर्णय ले पाते। दोस्तों, इस वीडियो में आपने जो भी जाना सुना देखा, इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में जरूर उतारिए और अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति जरूर बनिए। और हमारे चैनल को और मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी जरूर से सेट कर दीजिएगा अंत तक देखने के लिए।
आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।